हर हर महादेव, जय शिव शंभु। अगर चंद्रमा कुंडली में मजबूत अवस्था में नहीं होता, अर्थात चंद्रमा की स्थिति कमजोर अवस्था में होती है, तो बच्चे का मन जो है बहुत अधिक चंचल होता है, रोग इत्यादि उसे हमेशा ही परेशान करते हैं। दुर्व्यसन अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है, गुरुदेव भी हम सभी को बताते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, वह व्यक्ति जो है चंद्रमा की स्थिति अगर उसकी विपरीत दिशा में है, कहीं ना कहीं वह बच्चा जो है कहीं ना कहीं रोगग्रस्त होगा, कार्य क्षेत्र में उसका मन नहीं लगेगा। बच्चों पर भी यह बात लागू होती है, वह जो है किसी न किसी तरह से नजर रोग दोष इत्यादि से मन चंचल रहेगा, बुद्धि एकाग्र नहीं होती उस बच्चे की, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वह व्यवधान पूर्ण जीवन जीता है। तो ऐसे में शिव पुराण का, गुरुदेव का यह उपाय पूर्णिमा के दिन खास तौर पर किया जाए तो बच्चे के जीवन में चमत्कारी बदलाव आप स्वयं देखेंगे। 7 और 8 दिसंबर के दिन पूर्णिमा तिथि हो रही है, 7 दिसंबर के दिन व्रत किया जाएगा उदया तिथि के हिसाब से, और 8 दिसंबर के दिन दान पुण्य की पूर्णिमा रहेगी। तो ऐसे में 7 दिसंबर दिन बुधवार के इस दिन आप सभी पूर्णिमा का व्रत करेंगे, 8 दिसंबर के दिन दान पुण्य इत्यादि भी कर सकते हैं। हालांकि दोनों दिन जो है सर्वश्रेष्ठ तो 7 तारीख को व्रत करना रहेगा, तो इस दिन उपाय करें तो काफ़ी उत्तम है, नहीं तो 8 तारीख को भी आप उपाय कर सकते हैं। बहुत शुभ संयोग बन रहे जा रहा है, अघन अर्थात मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा होती है वह कई तरह से लाभदायक होती है। ऐसे में आपके घर पर भी बच्चे देखिए कुल भविष्य का निर्माण करते हैं, जीवन अब उनका ही है आगे चलकर, तो उनके लिए यह खास कार्य किया जाए, उनके हाथ से करवाया जाए, या वह नहीं करते तब भी जो है आप उन्हें यह कार्य करने का प्रयास करें पूर्णिमा के दिन। यह चमत्कारी उपाय लाखों लोगों को लाभ दे चुका है, आपको भी जरूर से लाभ देगा, एक बार सच्चे भाव सच्चे मन से कीजिएगा। काफ़ी सरल है, रुद्राक्ष हर घर में मौजूद होता है, आप एक मुखी दो मुखी या पंचमुखी जितने जैसा है आपके पास उसी तरह का रुद्राक्ष आप सभी को ले लेना है। सबसे पहले आप सभी को प्रातःकाल रुद्राक्ष मिश्रित जल महादेव पर समर्पित करना है, अर्थात रुद्राक्ष आपके घर पर होता ही होगा, उसे मिश्रित जल जो है आप सभी पूर्णिमा के दिन महादेव पर जरूर से समर्पित करें। अब उस जल को आप सभी घर लेकर आए, और जो बच्चा बहुत अधिक दुख तकलीफ इत्यादि से जूझता रहता है, जीवन में उसके बहुत अधिक समस्या रहती है, तो उसे इस जल का पान करवाएं अर्थात आचमन कराएं, इससे काफी उसके जीवन में लाभ होंगे और कई तरह के उसकी जो विपरीत दशाएं चल रही हैं उनका भी नाश होगा। अब शाम के समय में गुरुदेव कहते हैं आप सभी जो है जैसा भी आपके पास रुद्राक्ष है, जिस भी तरह का है, शाम को चंद्रमा पूर्णिमा के दिन बहुत जल्दी दिख जाते हैं, तो उस चंद्रमा का जो दर्शन करना है वह रुद्राक्ष का जो छेद होता है उस बच्चे के हाथ से रुद्राक्ष जो रुद्राक्ष के अंदर मुख होता है अर्थात उसके अंदर छेद होता है, उस छिद्र से आप सभी को उस बच्चे से चंद्रमा के दर्शन करवाने हैं। बस यही इतना सा ही कार्य कराना है पूर्णिमा की रात्रि में। हर एक बच्चा शाम को घर पर होता ही है, छोटा हो या बड़ा, तो उसके नेत्रों में अगर नेत्र ज्योति भी कमजोर है, जीवन में एकाग्रता की कमी है, दुख बीमारी शरीर को नाश कर रही है, दवाइयां चल रही हैं, तो उस छिद्र से उस छेद से आप सभी चंद्रमा के दर्शन उस बच्चे के हाथ से जरूर कराएं। साथ ही अगर वह शाम के, यह तो गुरुदेव का विशेष उपाय है ही, अगर वह शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दे देता है तो यह भी काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है, तो करिएगा जरूर, काफ़ी इससे लाभ होगा आप सभी को। इसके साथ ही आज के दिन खीर जरूर बनाएं, गुरुदेव कहते हैं पूर्णिमा के दिन प्रत्येक महिला को खीर जरूर से बनानी चाहिए। इस तरह से यह सरलतम उपाय मैंने आप सभी से गुरुदेव का साझा करने का प्रयास किया, कैसा लगा बताइएगा जरूर। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।